कभी कभी लगता है कि ना लोगों से पूछना ही नहीं चाहिए कि आपको क्या करना है। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। सो तो है, और जब बात करियर की हो तो बहुत टेंशन हो जाती है। खासकर 12th के बाद क्या करें, बहुत बड़ा सवाल है। कॉमर्स स्ट्रीम में कुछ डिफरेंट कोर्स कौन सा ट्राई कर सकते हैं, किसमें ज्यादा स्कोप मिलेगा। ओ माय गॉड, ऐसे बहुत सारे सवालों में अगर आपका भी मन उलझा हुआ है तो अपने उलझे मन को बताइए कि क्विक सपोर्ट आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी लेकर आ गया है। इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से है और ग्रेजुएशन में रेगुलर बीकॉम की जगह कुछ अलग, कुछ कंप्यूटर स्पेसिफिक नॉलेज लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स का ऑप्शन काफी अच्छा रहेगा, जिसमें आपको कॉमर्स के साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की नॉलेज भी मिलेगी। अब अगर आपको ये डिग्री कोर्स पसंद आ रहा है तो इसके बारे में आप डिटेल में भी जान सकते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें आपको बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियाँ मिलने वाली है। इसलिए बेवजह की सोच में डूबे रहने से तो अच्छा यही होगा ना कि आप एक इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो में अपना टाइम इन्वेस्ट करें। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, शायद आपको अपने लिए परफेक्ट बैचलर डिग्री कोर्स मिल जाए। लेकिन पूरा जरूर देखना है, आधी अधूरी जानकारी नहीं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोर्स की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 साल। ये एक ऐसा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें कॉमर्स के बेसिक्स जैसे कि अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड होते हैं। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास कॉमर्स के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जैसी काफी कंप्यूटर नॉलेज भी आ जाएगी, जो कि आपको IT और कॉमर्स सेक्टर के लिए तैयार कर देगी। तो इस कोर्स के सिलेबस में कॉमर्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इंक्लूड है, और इसके कोर सब्जेक्ट्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, प्रोग्रामिंग विद C++, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये कोर्स आपके लिए IT कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज, इंटरनेट मार्केटिंग कंपनीज, मैनेजमेंट कंपनीज, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बैंकिंग सेक्टर के दरवाजे खोल सकता है। आप प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह की कॉर्पोरेशंस में जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपके पास अकाउंटेंट्स, ऑपरेशंस मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे जॉब ऑप्शंस के अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामर और ऐप डेवलपर जैसे ऑप्शंस भी आ जाएंगे। बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स के इतने सारे बेनिफिट्स जानने के बाद अगर आप बीकॉम जनरल और बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन के बीच के डिफरेंस को भी क्लियर कर लेना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं कि बीकॉम जनरल में आपको अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, E-कॉमर्स, इनकम टैक्स लॉस जैसे कोर सब्जेक्ट्स के जरिए कमर्शियल इंडस्ट्री की नॉलेज मिलेगी। और बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोर्स आपको IT, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे बहुत से सब्जेक्ट्स की नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। बीकॉम जनरल कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप बैंकर, बिजनेस कंसल्टेंट, मैनेजर और फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसी एंट्री लेवल जॉब्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको IT एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, CAD असिस्टेंट, सपोर्ट टेक्नीशियन जैसी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करने का चांस मिलेगा। तो लीजिए, अब तो ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया है, एंड वी होप कि इसके बाद आपको बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोर्स के बारे में ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। इसलिए आगे अब हमें इस कोर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान लेना चाहिए। इसलिए चलिए अब जान लेते हैं बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोर्स के क्राइटेरिया के बारे में। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 10+2 क्लास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास करनी होगी, और इसमें आपके मिनिमम एग्रीगेट 50% तो होने ही चाहिए। और क्लास 12th में आपने कॉमर्स स्टडी की हो ये भी जरूरी है। और इस कोर्स का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, अब ये जान लेते हैं। बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन लेने के लिए आपको सिलेक्टेड कॉलेज का क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, क्योंकि हर कॉलेज के क्राइटेरिया में थोड़ा चेंज मिल सकता है। इसके अलावा क्लास 12th में अगर आपने अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे तो आपके लिए अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर कॉलेजेस में मेरिट के बेस पर एडमिशन दिया जाता है और कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर एडमिशन मिलता है। यानी अगर आपके सिलेक्टेड कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर ही सिलेक्शन होगा तो आपको ये एग्जाम तो क्लियर करना ही होगा। इसलिए इसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और अगर आप 12th क्लास में अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए ये एग्जाम भी काफी आसान हो जाएगा। तो अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा से अच्छा बनाए रखिए ताकि आपके करियर की गाड़ी अच्छी तरह ही आगे बढ़े। और हाँ, क्योंकि कुछ टॉप कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इसलिए ऐसे कुछ एंट्रेंस टेस्ट के नाम भी आपको पता होने चाहिए। और ये एंट्रेंस एग्जाम्स है IPUCET यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। VEE यानी वेल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय वेल्स यूनिवर्सिटी चेन्नई। AUCET यानी आंध्रा यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम। और JET यानी जेट एग्जाम कंडक्टेड बाय जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर। तो एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम के अलावा अगर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बेसिक नॉलेज भी मिल जाए तो परफॉर्मेंस के लिए तैयारी अच्छे से की जा सकती है। इसलिए आपको बता देते हैं कि B.Com कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंट्रेंस एग्जाम में जनरली क्वांटिटेटिव एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस जैसे सेक्शंस कवर किए जाते हैं। इस एग्जाम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट होता है और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिल सकती है। जनरली इस एग्जाम की ड्यूरेशन 3 घंटे होती है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग वेरिएशन मिल सकते हैं। इसलिए आप जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उसके इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली समझें और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ जाती है जब उनकी तैयारी तो आउटस्टैंडिंग होती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान ही नहीं दिया होता, इसलिए टाइमिंग, मार्किंग स्कीम और एग्जाम में आने वाले सेक्शंस को लेकर के वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस पुअर परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, हर बेसिक जानकारी को इम्पोर्टेंस दीजिए ताकि आप कहीं पर अटके नहीं, बल्कि शानदार परफॉर्मेंस दे हर बार और बार बार। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और अब बारी आती है इंडिया के ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस के नाम जानने की जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। और ऐसे कॉलेजेस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स हैदराबाद, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी तेलंगाना, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज चेन्नई, लोयोला कॉलेज चेन्नई, विमेंस क्रिस्टन कॉलेज चेन्नई, जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर, सेक्रेड हार्ट कॉलेज कोची, सेंट एल्बर्ट्स कॉलेज केरला, सेंट जेवियर्स कॉलेज केरला और सिम्बाइसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स पुणे। और हाँ, इस कोर्स की फीस में भी आपको काफी वेरिएशन मिल सकता है, जो कि कॉलेज के अकॉर्डिंग 15,000 पर एनम से 2 लाख पर एनम तक हो सकता है। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स हैदराबाद की फीस 26,000 पर एनम है और सेंट जोसेफ्स कॉलेज कैलिकट केरला की 17,000 पर एनम, जबकि वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज चेन्नई की फीस 65,000 पर एनम है। तो कॉलेजेस और फी स्ट्रक्चर के बाद ये भी जान लिया जाए कि अगर आप B.Com कंप्यूटर एप्लीकेशंस ग्रेजुएट के तौर पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो आपको कुछ स्किल्स पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर्स और IT की अच्छी नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और लॉजिकल एबिलिटी। और जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि ये कोर्स करने के बाद आपके लिए IT कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज और बिजनेस फर्म्स जैसे कई सारे सेक्टर्स में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएगी और आप बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट, ऑडिटर और अकाउंटेंट जैसी जॉब्स के अलावा ऐप डेवलपर और कंप्यूटर प्रोग्रामर जैसी जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। इससे ये क्लियर होता है कि ये कोर्स आपको करियर चूज करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, जो कि वाकई में एक अच्छी बात है। अब करियर ऑप्शंस की बात हुई है तो सैलरी पैकेज की बात भी होनी चाहिए। इसलिए आपको बता देते हैं कि एक B.Com कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रेशर को मिलने वाली शुरुआती सैलरी 2 से 5 लाख पर एनम हो सकती है, जो कि आपके स्किल्स और कंपनी के लेवल के अकॉर्डिंग होगी। और इस सैलरी पैकेज को आप अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेस पर इंक्रीज भी कर सकते हैं। और अगर ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब की बजाय फर्दर स्टडी को प्रेफरेंस देना चाहे तो अपनी स्किल्स और नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए आप M.Com इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, M.Com इन फाइनेंस के अलावा MBA और MCA जैसे ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। और मास्टर्स डिग्री के जरिए अपने सैलरी पैकेज और जॉब पोजीशन को काफी इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन की हेल्प लेकर आप B.Com कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोर्स की वर्थ पता लगा सकते हैं। और अगर ये आपके लिए यूजफुल हो तो अपने मन में उठने वाले सवालों से भी छुट्टी पा सकते हैं, क्योंकि जब करियर के लिए राइट चॉइस मिल जाएगी ना तो इन सवालों से तो छुट्टी मिल ही जाएगी। इसलिए इस वीडियो की हेल्प लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो कॉमेंट करके पक्के से बताइएगा। और हाँ, फिर भी कोई सवाल है तो बेशक आप सवाल कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। और आज जितने नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी जानकारी कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।